हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्य मदन है फ्रेंड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि का निकाल है। 2023 आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आ रहा है, क्या बदलने वाला है जीवन में, आपका लव लाइफ एंड करियर लाइफ कैसा रहने वाला है, चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। और जो आपके साथ रेजोनेट होती है वो आप रखें, जो नहीं होती किसी और के लिए है। चलिए लव लाइफ एंड करियर लाइफ बोथ का मैं देख रही हूँ कार्ड्स के थ्रू। थ्री में आप जहाँ भी हो वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आपका रिश्ता किसी का टूट गया है, कुछ ऐसा है, तो उनको घबराने की बात नहीं है। उनके लाइफ में एक नया आने वाला है कोई, ठीक है, नया आएगा और बहुत हैंडसम स्मार्ट, अगर बॉय हैं तो, गर्ल हैं तो बॉय हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही है, सुंदर आ रही है आपके लाइफ में। और आपको लेकिन मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है किसी को, ठीक है, जिसको आप चाह रहे हो ना कि वो मेरे लाइफ में आ जाए, तो मैनिफेस्ट अगर करेंगे तो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं मैरिज में आपकी, और कुछ इनडिसीजन हो रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अभी तक अगर, तो 2023 में आपका कैसा रहेगा मैरिड लाइफ, चलिए देखते हैं पहले। और लव लाइफ कैसा रहता है आपका, लव लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, मूव कर रहे हो, अब अपने तरीके से देखें, ठीक है। हो सकता है किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, परेशानी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अगर आप उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे, अगर आप उस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो तो ये भी होगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ बोला कि हो सकता है कि ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं आप छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, तो आगे बढ़ जाओगे आपके लाइफ में। और इस यानी कि लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर अटके रहेंगे तो फिर फंस जाएंगे कि क्या करूँ क्या नहीं, डिसीजन लेना है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन आप लेंगे, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, तो हेरोफेंट का कार्ड आया। क्योंकि इस जो कहते हैं ना कि रिवर को देखा है आपने, रिवर को अब चलना, बहते रहता है, वो बहते रहता है तो वो वाटर उसकी क्लीन रहती है। पौंड का क्या है, वो पौंड एक जगह अस्थिर रहता है तो वो सड़न उसमें मैम सड़ जाता है, वो पानी गंदा हो जाता है ना। तो अटके नहीं रहना है अपने लव लाइफ में, मूव करना है जैसे एक नदी, उसके बाद देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छी रहती है, नदी की जो लाइफ है ना। तो आपको पौंड नहीं बनना है, तालाब नहीं बनना है, आपको एक रिवर बनना है। अगर इनकेस आपके लाइफ में, लव लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, देन आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है। 2023 में ये मैं कह रही हूँ, बट डिसीजन तो आपको ले आप खुद ही लोगे, ठीक है। कोई कोई ऐसे हैं जो कार लेने का सोच रहे थे तो कार लेने के चांसेस हैं आपका। और करियर को लेके अगर आप सोच रहे थे, क्योंकि किंग एंड क्वीन का आया है सोर्स का, तो अब आप, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेडिकल का एग्जाम दे रहे थे आप, ये लॉ का कुछ पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उन सब में आपको सक्सेस है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि बिजनेस करने का सोच रहे थे, कुछ भी अगर आप सोच रहे थे, लॉ का पढ़ाई कर रहे हो, या हो सकता है मेडिकल का पढ़ाई कर रहे थे, या कुछ ऐसा देख रहे थे, सोच रहे थे क्या करूँगा, तो उसमें सक्सेस है आपको। कोई कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो बच्चे अगर आप, तो आपका कॉम्पिटिशन 2023 में आपको सक्सेस देगा। और मुझे मोस्टली का ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आपका जो आप चाह रहे हो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का, और उसमें सक्सेस है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव होके दें एग्ज़ाम और बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखो फूल का जानी आए, आप अपने गॉड पे बिलीव रखेंगे, अपने वर्क को, काम को करेंगे और बिल्कुल होगा। फाइनेंस को लेके अगर कुछ सोच रहे थे, जॉब नहीं मिल रहा था, तो बिल्कुल मिलेगा जॉब। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो मैं ये कहूँगी किस्मत का पहिया घूम रहा है अब आपकी तरफ। 2023 में आपकी लाइफ में एक टावर की एनर्जी आई थी, यानी कि ऊपर से नीचे धड़ाम से जो गिरता है ना इंसान, इस टाइप का कुछ लाइफ में पास्ट में हुआ है आपका, ठीक है। तो उन सब के लिए मैं ये कहूँगी जस्टिस मिल जाएगी आपको, और मजबूत होके खड़े रहेंगे। कोई डिप्रेशन देखो, दो दो आपका आया है चेरेट, तो आप हो सकता है मूव करने वाले हो कहीं ना कहीं, हो सकता है ट्रांसफरेबल सर्विस अगर होगी तो ट्रांसफर हो सकता है, या कोई किसी काम को लेके आप बाहर जा रहे हो तो हो सकता है बाहर जाने वाले हो। जो सोच रहे थे ना क्या हुआ क्या नहीं, तो वो ज़रूर होगा। फेथ रखें, ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही आया, फेथ रखें, अपने गॉड पे बिलीव रखें, ज़रूर होगा आपका। 2023 में आपका लव एंड करियर कैसा रहता है, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा घबरा जाते हो कभी कभी आप,
कभी कभी आप डिप्रेशन में भी जाने लगते हो। जीवन में कुछ ना कुछ तो आपको कटु सत्य पता चल गया है अपने लाइफ का, बहुत बड़ा कड़वा सच आपको मिला है आपको जीवन में, तो उससे अब आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, देखो ग्रोथ का है। उसके बाद ही बिटर स्वीट आया है, यानी कि कटु सत्य जीवन में आपको मिला है और उसको अब आप भूल जाएंगे 2022 में ही, ख़त्म कर देंगे उस चीज़ से, आगे बढ़ेंगे और बहुत खुशियाँ आपको। सुने आप, जिस चीज़ के लिए पैशन है, वर्क को लेके, काम को लेके, अगर किसी चीज़ के लिए आप चाह रहे हो कि ये काम मेरा हो जाए, पैशनेट हो किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ आपको वर्क करेगा। ठीक है, इम्पेशेंस हो जाते हो जाते हैं, वो जाते परेशानी होती, लेकिन देखो रिकवरी है। अब आपके जो कहते हैं ना, ताले की चाबी अब आपके हाथ में है। समझ गए होगे मेरे पास बात, देखो परफेक्शन आ रहा है। ताले की चाबी आपके हाथ में है, अब ये आपको देखना है कि कैसे करो। ठीक है, होगा आपका, सब होगा, लेकिन तब होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, पास्ट को भूल के आगे बढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें आप 2023 में करने वाले, देखना, क्योंकि जस्टिस आ गया है आपको और फेथ का भी आया। बिल्कुल इस हर चीज से बाहर आ रहे, बहुत एक जोशन था आपके दिमाग में, ये वो कहते ना लंद फंद, सब घूम रहा था है ना, तो सब चीज़ खत्म हो रहा है 2023 का। दिसंबर में आप छोड़ दोगे, ये वीडियो मैंने इसलिए पहले डाल दिया कि दिसंबर में डाल दिया, ताकि आप 2023 से आप बिल्कुल काम करना शुरू कर दें, और बिल्कुल जो आपको दिख रहा है ना कि ये चीज़ यहाँ पे अब मुझे मिलने वाला, बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, चाहे जिस पर्पज से आप देख रहे हो, और मेडिटेशन ज़रूर करें अपने ऊपर, 5 से 10 मिनट ज़रूर दें। मैं इस एक्वेरियस आपके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको 5 से 10 मिनट अपने ऊपर देना है, बिल्कुल मन को शांत, दिमाग को खाली करके बिल्कुल शांत बैठना है आपको। ठीक है, वो चीज़ हो रहा है, और बहुत पैसा कमाने वाले, इतना पैसा कमाने वाले कि बाहर घूमने जाओगे और फिर आपको थोड़ा लेजीनेस सा फील होगा। ठीक है, और देख लो कार्ड्स में आया है, देखो कार्ड्स में आया इंटीग्रेशन का, बिल्कुल अब आपके अंदर एक जो कहते हैं ना प्यार से भरा दिल भी होगा, और एक पापा और मामा का जो होता है ना, पापा थोड़ा गुस्सा करते हैं, मामा थोड़ा प्यार करते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ आपके अंदर समा रहा है। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि 2023 और देखो ये कार्ड्स आए हैं अंडरस्टैंडिंग का, और अपने पार्टनर को, एक दूसरे को, दोनों को समझने लगोगे आप लोग, और एक बाहर यानी बहुत एक ऊँची उड़ान भरने वाली। चलिए कार्ड्स के थ्रू इधर इस देखते हैं क्या आ रहा है, आपका एनर्जी कैसी रहेगी। और एक एंजल ऑफ लव, लव लाइफ को मैंने बताया आएगा बिल्कुल, और किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने वाले हो 2023। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का आया है, जॉब के लिए अगर कुछ सोच रहे थे तो बहुत पैसा तो कमाओगे ही, बहुत कमाओगे। किसी का हार्ट ब्रेक बहुत हो रखा है ना, तो 2023 में वो हार्ट ब्रेक को ख़त्म करके बंद कर लोगे उसको, और एक नया आएगा, नया ब्लॉज में अबेंडेंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, और डोर टू पर्सनल हीलिंग, हील जरूर करें अपने आप को बाहर, क्योंकि आया बहुत सारे कार्ड्स। सन की एनर्जी आई है, तो नया सूर्योदय आपके जीवन में आ रहा है, कहीं अभी आप अटके पड़े थे, क्योंकि टाइड अप का आया, बहुत ज़्यादा जकड़न सा आपका जीवन में था, जो कहते हैं ना कांटा भरा, जो देखा होगा आपने बाउंड्रीज पे रहता है कांटे वाला, जो रेलिंग जैसा बना देते हैं, तो वैसा आपका जीवन था, बहुतों का जीवन था एक्वेरियस, तो उस सब चीज़ टाइट अप, बंधा पड़ा, फंसा पड़ा, यानी समझ में नहीं आ रहा था। 2023 में आप बिल्कुल निकलेंगे। ठीक है, कि और दिल से अब सोच समझ, दिल से सोचोगे, समझोगे, काम को करोगे, बहुत पेशेंस रखा है अपने लाइफ में, अब तो ठीक होना है, अब तो ठीक है। 2023 आपको विक्ट्री देगा, देखो विक्ट्री लास्ट पे विक्ट्री का कार्ड आ गया, और जो पूरे कार्ड्स में आते हैं ना उसके बाद मैं थंबनेल पे लगाती हूँ क्या आया है नहीं आया आपका, उसके बाद देखो अब विक्ट्री आया तो मैं विक्ट्री थंबनेल पे लगाऊंगी। ठीक है, ये थंबनेल मैं बाद में बनाती हूँ। चलिए, अब जो चीज़ बताया विक्ट्री, तो अब आप 2023 में आपको मिलेगी ही मिलेगी, मैं चाहती हूँ सबको मिले एक्वेरियस। और अब आपके गॉड आप किसे क्या कहना चाह रहे हैं, और जिस भी रिलीजन के हैं अपने तरीके से देखें, हेल्पफुल पीपल, कोई आपको हेल्प कर देगा, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, थमना नहीं। देखो रोमांस है आपके लाइफ में, और बिग हैप्पी चेंजेस हैं 2023 में, बिग हैप्पी चेंजेस हैं। जब भी मैरिज करें या दोस्ती रखें, खुद को खुला रखें, कम्युनिकेट क्लियरली, चूज अ न्यू डायरेक्शन, बहुत कई चेंज बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव होगा आपका लाइफ। ठीक है,
तो खुश रहें, पॉजिटिव रहें। 2023 आई होप आपके लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो चीज़ मिल जाए। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।